प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट में, जिसमें हम आपको प्रदेश के अपराध की खबरों से रूबरू कराते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जो पत्नी पति को भगवान की तरह पूजती थी, अब वह पत्नी हिंसा पर आमादा हो रही है? क्या वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से तंग आ चुकी है या फिर कोई और बात है? इस महिला ने आखिर क्यों अपने ही पति को एसिड से नहला दिया? आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है हमारे इस खास रिपोर्ट में। पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब, पति पत्नी में हुआ था विवाद, पति को इलाज के लिए किया गया भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। इस महिला ने आखिरकार बिना लोकलाज की परवाह किए ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर या देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस महिला ने अपने ही पति पर कथित तौर पर एसिड डाल दिया। जैसे ही पति के ऊपर एसिड पड़ा तो पति जलन और पीड़ा से तड़पने लगा। वहीं पर मौजूद घर वालों ने जब पति की दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनी तो भाग कर आए। तब तक महिला के पति का शरीर तेजाब से झुलस चुका था। आनंद फानन में परिजनों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया। ऐसा क्या हुआ था उस झगड़े में जो पत्नी ने इतना सख्त कदम उठा लिया? दरअसल ये मामला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर 6 साल पहले इस्लाम नगर के यासीन के साथ आरोपी फराह का निकाह हुआ था। इन दोनों में अक्सर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी कई बार पति के घर वालों ने फराह के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद घर के बड़े बूढ़ों ने एक साथ मिलकर मामले को सुलझाया था। वहीं फराह और उसके पति के बीच कुछ दिन पहले कथित तौर पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पति ने पत्नी फराह को मारा पीटा था, जिसके बाद गुस्साई फराह ने जो कदम उठाया वो तो आप सभी ने देख ही लिया। फराह ने बाथरूम में यूज होने वाले एसिड को गैस चूल्हे पर रखकर गर्म किया और उसमें लाल मिर्च डालकर खौलाया। जब एसिड पूरी तरह से खौल गया तो पत्नी ने पति के ऊपर मौका पाते ही डाल दिया। फराह ने लाल मिर्च इसलिए मिलाई थी कि जब पति पर एसिड पड़े तो ज्यादा तकलीफ। परिवार वाले अपनी बहू की इस हरकत से परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में भर्ती यासीन की हालत में अब पहले से काफी सुधार नजर आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्म पानी में कोई केमिकल या एसिड मिलाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं यासीन के घर वालों ने अपने बेटे को तड़पते देख पुलिस को खबर की और थाने में आरोपी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने घर वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी पत्नी फराह की तलाश कर रही है। इसके साथ ही मामले की जांच भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस कड़ी में इतना ही। आगे हम आपको अपराध जगत से जुड़ी हुई प्रदेश की तमाम ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।